नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, एयरफोर्स का क्लास आपका चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी सामान्य जागरूकता पढ़ना प्रारंभ किए हैं और उसके अंतर्गत हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। इसमें हम आपको आज बताएंगे कुछ ऐसे फुल फॉर्म जो कि आपके एयरफोर्स के परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको फुल फॉर्म दिया जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है, और कभी कभी आपसे शॉर्ट फॉर्म दे करके उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इस तरह से आपके परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म है उसी को हम बताएंगे, उसी को रटवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप वही पढ़ें, वही रटें जो आपके परीक्षाओं में आने वाला होता है। सामान्य तौर पर हम और आप या फिर अलग अलग संस्थाओं में वही आपको पढ़ाया जाता है जो जीके की किताब में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, उसी का फुल फॉर्म आपको बताया जाता है। लेकिन जो वर्तमान में एयरफोर्स की परीक्षा का पैटर्न है, उसके अंतर्गत अब जो नए नए शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। कुछ ऐसे हैं ज़रूर जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो पूछे जाने वाले शब्द हैं वो आपकी परीक्षाओं में ज़्यादा ऐसे पूछे जाते हैं जो हाल फिलहाल चर्चा में रहते हैं। उसके लिए हम लोग ये एक रटने की श्रृंखला भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको वो सारे कंटेंट मिलेंगे जिसे आपको बार बार रटने की आवश्यकता होगी। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखते हैं वो 20 पॉइंट जिससे संबंधित आपकी परीक्षाओं में फुल फॉर्म पूछा जाता है। कभी कभी आपकी परीक्षाओं में फुल फॉर्म दे करके शॉर्ट फॉर्म पूछा जाएगा, और कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दे करके फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो पूछा आपसे चाहे जैसे जाए, हम लोग दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। तो उसमें से हमारा आज का जो पहला है उसका नाम है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार इसको सुनते चलिए, एक बार अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। सेकंड नंबर पर है इसी से रिलेटेड, चूँकि भारत में जो संस्था स्पेस के लिए रिसर्च करती है उसको हम लोग इसरो कहते हैं, और जो अमेरिका में करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नासा कहते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद है जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। रॉ का होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एसजीपीटी का होता है सीरम ग्लूटामिक पाइरोविक ट्रांसमिनेस होता है। एसएमपीएस का स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बसेस। ये आप देखते हैं अक्सर, आप पूछते भी हैं कि यूएसबी पोर्ट लैपटॉप में कितना है कितना नहीं है, तो वो यही होता है, यूनिवर्सल सीरियल बसेस। फिर उसके बाद है पीवीसी। ये आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा पीवीसी, और अक्सर आप देखते हैं पीवीसी पाइप भी आपके यहाँ लगी होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। GIF अक्सर आपको गुड मॉर्निंग, और इस समय नवरात्रि वाला माहौल चल रहा है तो माँ दुर्गे की फ़ोटो भी आपको GIF इमेज के रूप में मिल जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर उसके बाद है BARC। BARC का मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फिर इस साइड वाले में आपको कुछ आसान से मिलेंगे और कुछ थोड़े से नए भी आपके लिए हो सकते हैं। जैसे IAS आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली जो संस्था है वो होती है UPSC, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर इसके बाद KYC। KYC आप अक्सर सुनते हैं, आपका पेटीएम जिससे लिंक होगा उसका भी आपने KYC करवाया होगा, अपना फ़ोनपे करवाया होगा, या फिर अपना बैंक में या गैस सिलेंडर में, हर जगह आपको KYC करवाना ही होता है। तो KYC का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। फिर इसके बाद है IPL। इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, चूँकि IPL आप उसके कीड़े होंगे,
तो IPL का क्या हो गया, इंडियन प्रीमियर लीग। TDS, TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर इसके बाद है DSLR, जो आप कैमरा से देखते हैं, फोटो खींची जाती है, वीडियो शूट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, DSLR, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। फिर इसके बाद है GPRS, GPRS का मतलब होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। LLP का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फिर इसके बाद है FDI, को आप जानते होंगे, F का मतलब होता है फॉरेन, D फॉर डायरेक्ट और I फॉर इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो यहाँ पर हमने आज के अपने रटने वाली श्रृंखला में क्या देखा है, 20 ऐसे पॉइंट जो आपकी परीक्षाओं में फुल फॉर्म या शब्द संक्षेपण के रूप में पूछे जाते हैं, और हमने ऐसे शब्दों को लिया है जो आपकी परीक्षाओं में अब रेलिवेंट हो सकते हैं। चूँकि अक्सर आप देखते हैं अलग अलग संस्थाओं में, हर संस्था में लगभग मैंने यही देखा है कि वहाँ पर जो आपको बताया जाता है ऐसे शब्द संक्षेपण, वो सारे वही रहते हैं जो बहुत समय पहले से किताबों में छपे होते हैं, उसी को टाइप करवाया जाता है, उसी को आपको पढ़ के सुना दिया जाता है, लेकिन आपकी परीक्षाओं में वो पुराने नहीं आते, बल्कि अब जो हाल फिलहाल में शब्द चर्चा में रहे हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पुराने चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपको अपडेट भी रहना है। अगले वीडियो में हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, 20 के बाद हम लोग 21 से लेकर के 40 तक पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको तकरीबन 150 से 180 शब्द संक्षेपण बताऊंगा, और समय समय पर जो करंट अफेयर्स आपका चलेगा उसमें भी अगर हमको कुछ शब्द मिलेंगे वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला।